श्री मदनलाल जी। आपने मुझे इस लोक पर इस विषय पर बोलने का मौका दिया। 1966 से 1990 तक दिल्ली की इस विधानसभा का स्वरूप कुछ और था। तब वहां दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल हुआ करती थी और दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के पास अधिकार था केवल एडवाइज करने का, जिस काउंसिल को हेड करते थे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एडवाइज करनी होती थी एलजी को और एलजी ही एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का इस्तेमाल कर सकते थे। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए और दिल्ली के स्वरूप को देखते हुए, जो एक बार नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी है, तत्कालीन सरकार ने दिल्ली के चुने हुए लोगों की सरकार को और ज्यादा पावर देने के लिए असेंबली का गठन करने की सोची और 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हुए दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली का सिस्टम तैयार किया, जिसके 70 विधायक होने थे, जो आज भी पावर थी कि वो एड और एडवाइज नहीं करेंगे बल्कि पूरी ताकत रखेंगे सरकार को चलाने की। एंड एलजी विल बी बाउंड टू गो थ्रू द एड एंड एडवाइज ऑफ द गवर्नमेंट एज इज सेड बाय सौरभ भारद्वाज। 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुप्रीम कोर्ट की ने बड़ा क्लियरली कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की एड एंड एडवाइस को एलजी मानने के लिए बाध्य है और दोनों आपस में मिलकर हार्मोनियसली काम करेंगे। इसके बाद लगातार ये सरकार जो केंद्र में बैठी है वो दिल्ली की सरकार को किसी न किसी बहाने तंग करती आई है, जो सिलसिला इन्होंने 2015 में शुरू किया था। 2015 में एक बहुत बड़ा मैंडेट आम आदमी पार्टी की सरकार को मिला था, जिन्होंने आते ही, अगर आपको याद दिला दूं मैं, विनोद नाम का एक कांस्टेबल जो शराब माफिया से, यहां शुरू होती है ब्यूरोक्रेट्स की अपनी पावर और गवर्नमेंट की अपनी पावर, विनोद नाम का एक सिपाही उन शराबी माफियाओं से लड़ते हुए आया नगर के जंगलों में मारा गया, शहीद हो गया। इससे पहले लोग नॉर्मली सिलाई की मशीन या विडो को कोई हल्का फुल्का चेक देती थी, पर यह दिल्ली की पहली सरकार थी जिस सरकार ने 1 करोड़ रुपए का अनुदान उस सिपाही के परिवार को दिया, क्योंकि उन्हें लगा वो कर्तव्य निष्ठा में उसने जान गंवाई है और वो करप्शन के खिलाफ लड़ा है। ये करप्शन के खिलाफ लड़ने वाली लड़ाई से घबरा कर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसे अभी सौरभ भाई ने कहा, 2015 में सर्विस खींच ली, एक नोटिफिकेशन के द्वारा चुनी हुई सरकार से सर्विसेज ले ली और ये कहते हुए ले ली कि सर्विसेज पे अब कंट्रोल हमारा रहेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं था। इसके बाद ये कानूनी लड़ाई लगातार अब तक जारी है, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसके बीच में दिल्ली हाई कोर्ट के बाद में चीफ जस्टिस भी रहे, एक्टिंग चीफ जस्टिस थे जस्टिस अर्जन सिकरी जी, सुप्रीम कोर्ट भी गए, उन्होंने अपने डिवीजन बेंच थी 2 जजेस की, उनका हालांकि व्यू इसके अगेंस्ट था, पर उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि कोई चुनी हुई सरकार के पास अधिकार ही ना हो। और तब उन्होंने कहा था कि 3 सब्जेक्ट को छोड़ के जो 239AA में है, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, इनको छोड़ के दिल्ली की सरकार के पास ये अधिकार हैं और ये अधिकार का ऑनर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, 2018 के बाद 2019 के वर्डिक्ट ने एक तरफ से एक नया सिलसिला, एक नई लड़ाई शुरू कर दी, जिसके रहते हुए पूरा का पूरा जो सरकारी तंत्र है वो केंद्र सरकार ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छीन लिया। इसे छीनने के बाद ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, वो हालांकि पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए, लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में देते हुए, लोगों की काबिलियत और उनके इंटरेस्ट को देख के होना चाहिए। यहां सरकार ने कर लिया कि जो उनके हिसाब से काम करेगा वो पोस्टिंग में रहेगा, जो नहीं करेगा वो रास्ता देखेगा। यही कारण था कि लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में ये ट्रांसफर और पोस्टिंग होती रही।
और इसी के तहत ऑफिसरों ने अपना रौब झाड़ना शुरू कर दिया। अगर आप देखें तो अमूनन हम यहां विधानसभा में बैठे हुए कई बार ऑफिसर्स के जो सर्विस डिपार्टमेंट है, लैंड है, पुलिस है, उसके बारे में कभी कभी हमने क्वेश्चन करने की कोशिश की, वहां से जवाब आता है रिजर्व सब्जेक्ट। मैं कभी कभी अपने आप से पूछता हूं यहां बैठ के कि LG को तो तनख्वाह हम देते हैं, ये दिल्ली के लोग देते हैं, दिल्ली की गवर्नमेंट के थ्रू जा रहा है, 2.25 लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह है और कई लाख रुपए पक्ष के रूप में, अगर देखें तो शायद हो सकता है करोड़ों रुपए का खर्चा हो। जितने ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, चाहे वो सर्विसेज डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट के हो, दिल्ली सरकार पैसे दे, पुलिस को छोड़ दो, पर ये डिपार्टमेंट जो बार बार दिल्ली सरकार के मातहत काम करते हुए भी, सर हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात ही नहीं कर रहे, ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, कौन करेगा वो नोटिफिकेशन, जायज है नहीं जायज है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर लेगा। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं क्या आप उसके बारे में बताना पसंद नहीं करते? अगर लोग जानना चाहते हैं तो क्या आप नहीं बताएंगे? और लोग कौन है? चुनी हुई सरकार के चुने हुए नुमाइंदे हम लोग। कानून के मुताबिक वो जो 239AA है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट है, उसके द्वारा चुने हुए लोग हैं। आप केवल एक नोटिफिकेशन का बहाना लगा के LG साहब की छत्र छाया में हर सवाल का जवाब देने से बचते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर जवाब दिया तो जवाब में नुक्ता चीनी की गुंजाइश रहेगी, आपसे पूछताछ करेंगे। यही कारण है कि विधानसभा की, अब आप विधानसभा देखें, विधानसभा की जितनी कमेटी है, विधानसभा की कमिटीज को सेम पावर्स और प्रिविलेजेस हैं जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उनकी कमेटियों को जो पावर है वही पावर दिल्ली विधानसभा की सारी कमेटियां एंजॉय करते हैं, सेम पावर सेम प्रिविलेज। तब ऐसा क्या है कि अलग सरकार के लोग हमारे यहां से तनख्वाह लेने वाले लोग वहां के कहते हैं कि रिजर्व सब्जेक्ट है, लिहाजा हम ना तो आएंगे ना आपको जवाब देंगे। और इसके उलट हो क्या रहा है, 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जन्म हुआ कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी हो, ऑफिसर्स में अकाउंटेबिलिटी हो, करप्शन पे चेक लगे और लोगों की जवाबदेही हो, अफसरों की जवाबदेही। कोई भी आदमी 10 रुपए की एक एप्लीकेशन लगाओ, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल जाएगी। अगर 10 रुपए में किसी सामान्य व्यक्ति को कोई भी सर्विस वाला ऑफिसर, चाहे वो किसी रैंक का हो, कोई ऑफिस हो, अगर वो वहां से इंफॉर्मेशन ले सकता है तो ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या मजबूरी है कि चुने हुए प्रतिनिधि नहीं ले सकते? वो चाहे विधानसभा का माध्यम हो, चाहे वो विधानसभा की कमिटियों का माध्यम हो, इसका पीछे केवल एक कारण है कि ऐसे लोग जो करप्शन बढ़ा रहे हैं उसको LG साहब और सेंट्रल की गवर्नमेंट बढ़ावा देती है, उनको प्रोटेक्शन देती है, उनको अभय दान देती है और कहती है आपको कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं ना, तुम जो चाहे करो। ये उसी की वजह है कि बहुत सारे एरेंट ऑफिसर्स चुने हुए प्रतिनिधियों की चिंता नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, पर इंफॉर्मेशन तो आएगी, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो 2015 में जब पहली बार एक हेड कांस्टेबल को दिल्ली पुलिस के 50,000 लेते हुए घूस पकड़ा गया था, तो ये अरविंद केजरीवाल जी की दिलेर सरकार थी जिन्होंने न उसे केवल गिरफ्तार कराया बल्कि हैबियस कॉर्पस दिल्ली पुलिस ने डाली हाईकोर्ट में, तो वहां भी करारा जवाब मिला। उसके बाद अंबानी के खिलाफ वो पहला मुकदमा दर्ज करने की किसी सरकार में अगर हिम्मत हुई तो वो केजरीवाल जी की सरकार थी। ये महोदय उसी के बाद था कि इन्होंने कहा वेयर देयर इज ए पुलिस स्टेशन, अब उन्होंने कहा कि दिल्ली की NCB ACB के एंटी करप्शन ब्रांच जो दिल्ली सरकार के अंडर काम करती थी करप्शन को रोकने की, उन्होंने कहा FIR करने की ताकत इनको है, और जहां FIR हो सकती है वहां तो पुलिस स्टेशन है, और अगर पुलिस स्टेशन है तो सब्जेक्ट ही हमारा। इन्होंने वो छीन ली, छीनी केवल इसलिए कि जितने करप्ट ऑफिसर्स हैं कहीं दिल्ली सरकार, ये अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार सरकार
कहीं एक एक करके करप्ट अफसरों को जेल भेजना शुरू न कर दे, तो आपने एसीपी को अपना पास ले लिया। ये सबके सामने लोग इसकी चर्चा करें सर, लोग इसकी चर्चा करते हैं। आज के दिन सबसे ज्यादा करप्ट ऑफिसर तो प्लम पोस्टिंग पाते हैं। आप एक जगह से बढ़िया जगह से हटे, आपको अगली पोस्टिंग पता चलेगा उससे भी ज्यादा अच्छी मिली है, वहां से हटे तो और ज्यादा मिली है। और बहुत सारे ऐसे अफसर जो दिल्ली सरकार में ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो मोहताज है कि कहीं अच्छी सी जगह नौकरी कर ले जहां वो डिलीवर कर सकते हो, जहां वो लोगों के भले के लिए काम कर सकते हो। सर मैं तो कहता हूं भगवान का शुक्र है जुडिशरी पे इनका कंट्रोल नहीं है, नहीं तो ये जज रोज बदलवाया करते। हर बार जब भी देखते कोई और पकड़वाना उससे पहले जज को बदलते। ये शुक्र है इस देश में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, ये शुक्र है कुछ लोग अब भी ईमानदार हैं जो चाहे महीने भर में ट्रांसफर हो जाते हो पर वो इस बात की कतई परवाह नहीं करते कि उनको कौन सी पोस्टिंग चाहिए। मैं सर एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज जो प्रस्ताव सौरभ भारद्वाज जी ने यहां रखा है मैं उससे सहमत हूं, उसका अनुमोदन करता हूं और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि उस सरकार को इस सरकार से सीख लेना चाहिए कि जिस सरकार ने 500 से ज्यादा सरकारी स्कूल नए कर दिए, 20,000 से ज्यादा नए क्लासरूम बना दिए, 200 से ज्यादा टीचर्स को सिंगापुर भेज दिया, 350 से ज्यादा कैम्ब्रिज प्रिंसिपल भेज दिए, जिसके स्कूलों में 99.97 रिजल्ट आ रहा हो, जिसके सरकारी स्कूलों का नाम दुनिया में हो रहा हो, उस सरकार को चलाने के बाद भी अगर किसी को संतोष नहीं है और उसको खत्म करना चाहते हैं तो वो भूल जाए कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स, यहाँ के स्टूडेंट्स, यहाँ के लोग, यहाँ की सरकार इसके बारे में बहुत ज्यादा न केवल जागरूक है बल्कि प्रयत्नशील है और लगातार कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी के साथ काम कर रही है। चलिए उनको समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल ये सिस्टम बदलेगा जरूर, क्योंकि जिंदगी में कभी हमेशा के लिए कोई नहीं आया। ऊपर वाली सरकार जरूर बदलेगी, 2024 का इंतजार कर रहे हैं। इन्होंने ऊपर वाली जो सबसे ऊपर है वो जरूर देख रहे हैं। पर सर 2024 ये कॉर्पोरेशन के अभी के रिजल्ट ने जहां दुर्गेश भाई पिछले भारी बहुमत से जीते हैं, धन्यवाद और डरा दिया सर, और डरा दिया है। हो सकता है जल्दी इलेक्शन ना कराए पर कोई बात नहीं, आप लोगों के सिस्टम से, हम सब लोगों के सिस्टम से हमें जरूर उम्मीद है कि हम अपनी दिल्ली को और ज्यादा सुंदर, सक्षम। सर में पीछे बात हो रही थी सैलरी की, दिल्ली में 4,01,000 रुपया पर कैपिटा इनकम है जो हिंदुस्तान में सेकंड हाईएस्ट है, जहां 4,00,000 आम लेबर के मतलब आप समझो पर कैपिटा इनकम है, वहां आप 12,000 से 30,000 केवल, ये दुर्भावना है। और जब जब कंस पैदा हुए हैं उनका अंत जरूर, अंत जरूर। धन्यवाद सर।